मौसम में जीवन यादव समाज सेवी द्वारा कंबल वितरण हो रहा है और आप लोगों के बस्ती में पहुंचे हुए हैं। अभी तक कोई कंबल वितरण किया है? तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग आदमी है, ठंड के इस मौसम में इन्हें जीवन यादव के द्वारा कंबल दे करके सम्मानित किया गया। जैसे कि पूरे बिहार प्रदेश में इस समय नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ एक तरफ उत्तर पूर्वी भारत में कड़ाके के ठंड का सितम है और इस हाड़ कपाने वाली सर्दी के आलम में लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो अमीर लोग हैं, खैर उनकी तो जिंदगी आसानी से कट जाएगी, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनको पूछने वाले समाज सेवी कुछ ऐसे हैं जो इस मुसीबत के समय में हर संभव राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है कंधवारा ग्राम स्थित नगर स्थित जीवन यादव का, जो आज गरीबों के बस्ती में पहुंच करके राहत पहुंचाने के लिए कंबल का वितरण करा रहे हैं और इनके साथ देने वाले इनके बहुत सारे सहयोगी हैं। बिहार पुलिस से सेवानिवृत्त हो चुके और जीवन यादव के सामाजिक कार्यों में मार्गदर्शन दे रहे, सहयोग दे रहे एक व्यक्ति हैं। सबसे पहले उनका परिचय कराते हैं। सबसे पहले बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस उम्र में भी नौजवानों की तरह जोश और जज्बा दिखाते हुए गरीबों के बस्ती तक पहुंचे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? हमारा नाम रामेश्वर पांडे हुआ। हम लोग जीवन यादव से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। ये आज ही नहीं, इस साल ही नहीं, विगत कई वर्षों से गरीबों के बीच कम्बल वितरण, अलाव का वितरण, गरीब आदमियों को साड़ी धोती, जो गरीब लड़की परिवार है उसको मैंने जो भी सहायता हो पैसा से, अन्य संपत्ति से, सब से ये मदद करते आ रहे हैं। और हम लोग इनको शिक्षित आदमी हैं, इनका पेट भरा हुआ है, खाली नहीं है। लूटने का काम ये नहीं करेंगे, ये सिवान को स्वर्ग बनाने का काम करेंगे। और पब्लिक का हुजूम है। अभी हम लोग महोदीपुर ग्राम के हरिजन टोली में मैंने पहुंचे हुए हैं। ये आपको देख के खुशी होगी कि कितना पब्लिक है जिसके बीच हम लोग कम्बल का वितरण कर रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा मुखिया, नेता, MP, सांसद, MLA कोई भी नहीं है कि ये मैंने कम्बल का वितरण करा सके। अभी फर्स्ट आदमी हम लोग जीवन यादव के तरफ से घूम रहे हैं। जीवन यादव शिक्षित आदमी है, ये भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। अभी जितने नगर परिषद में आपको जितने अध्यक्ष सबको देखे हैं, पेपर में निकलता है कि जेई के ऊपर सुमन कुमार जेई हैं, उनके ऊपर FIR हो गया, डर के मारे भागे हुए हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी लोग नगर पालिका में खुद खरोच बन रहा है। पूर्व चेयरमैन लोगों के ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उन लोगों पर भी FIR हुआ है। हम लोग जीवन यादव को जबरदस्ती ले आए हैं कि आप चुनाव लड़िए और हम लोग आपके साथ हैं। जीवन यादव पर हम लोगों को भरोसा है। जीवन यादव हम लोगों का कल्याण का काम करेंगे। नया चेहरा है, सब चीज़ से परिपूर्ण भरे हुए हैं। कोई टेंशन, कोई दिक्कत इनके साथ नहीं है। देखिए और भी कुछ लोग हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। अमीरों का तो बात सब सुनते हैं, गरीब लोगों का भी बात हम लोग। बहुत खुशी की बात है, परम आदरणीय सम्मानीय सम्मान करते हुए कन्हवारा निवासी हमारे जीवन भैया बहुत व्यवहारिक आदमी है, उच्च विचार, उच्च संस्कार। हमारे भैया आज दलित बस्ती में कमर बटवा रहे हैं। शुक्रिया है, धन्यवाद है, हार्दिक अभिनंदन, जय जयकार है। किसके द्वारा वितरण हो रहा है? जीवन यादव कन्हवारा निवासी। क्या बांट रहे हैं? कम्बल बांट रहे हैं। आप लोगों को कम्बल मिला है? जी मिला है, सबको मिला है। इस तरह का काम करने के लिए सांसद, विधायक जी और यहाँ के जो मान लीजिए कि नगर परिषद के चेयरमैन है वो लोग आया है कि नहीं? अभी लोग कोई नहीं आया सर।
ये जो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ये बहुत बढ़िया काम किए हैं कि डायरेक्ट चेयरमैन सभापति का चुनाव विधायक और एथी के एमएलसी के तरह जो है तो डायरेक्ट जनता करेगी। इसमें वार्ड पार्षद लोगों का कोई रोल नहीं होगा, उन लोगों को कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी और डायरेक्ट जनता जाकर जैसे विधायक और एमएलसी से मिलते हैं वैसे डायरेक्ट जाके जीवन यादव से मिलेंगे और कहेंगे कि हमारा काम कीजिए। अगर वो काम नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद फिर उनको हम लोग हटा देंगे। काम करेंगे तो 5 साल रखेंगे, नहीं कि आगे भी देखेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम लोग हटा देंगे। नीतीश कुमार ने ऐसा बढ़िया काम किया है, ऐसे ही जो चेयरमैन का चुनाव अभी तक के बीच आ जाता तो हम लोगों को और भी खुशी होती कि भ्रष्टाचार का जो काम है खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार जी ने ये बहुत बढ़िया काम किया है कि मास्क का वितरण हो रहा है, देखिए लगाए हुए हैं लोग मास्क। बिल्कुल, देखिए मैं बतलाना चाहूँगा कि कोरोना के समय में जिस तरह से सरकार ने सभी को मास्क लगाने के लिए आदेश जारी किया है, गाइडलाइन जारी किया है, तस्वीर देख सकते हैं कि जो बाबा हैं अपने हाथों में खुद इसका कमान संभाले हुए हैं। एक जिम्मेवार व्यक्ति की हैसियत से महादलित बस्ती में पहुंचे हैं, गरीबों का आंसू पोंछने का प्रयास कर रहे हैं, गरीबों का दर्द भरी जिंदगी जो गुजर रही है, कष्ट में गुजर रही है, उसको नज़दीक से जानने की कोशिश कर रहे हैं। आ इनको विशेष हम कह सकते हैं तौर पर भेजा गया है जीवन यादव के द्वारा कि लोगों के घर घर पहुँचे, उनसे जानकारी लें कि कोरोना के समय में क्या परेशानी हो रही है, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है और यहाँ के लोग जो मेहनत कश इंसान हैं, मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं, रोजी रोटी उनका चलता है, ऐसे स्थिति में कोई ना कोई समाज सेवी अगर गरीबों के बस्ती तक पहुँचा है, दलितों की समस्या जान रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि उनका नज़रिया, उनका सोच जो है क्या है। तस्वीर आप देख सकते, अभी तक न कोई चलाया है न चलाएगा। जीवन यादव का जब से नाम आया है, जब से उनका ये बयान आया है, जब से ये समाज सेवा का काम अभी जो शुरू किया है विगत कई वर्षों से है, अभी तक कम से कम 15 से 20 हज़ार कम्बल तक का वितरण हो चुका है और अभी हुआ है, आगे होते भी रहेगा। कब तक होगा इसका कोई हम लोग गारंटी नहीं दे सकते हैं। ठंडा जब भी बढ़ेगा कम्बल का वितरण होगा। रह गया समस्या ये कि अभी तक कोई भी नेता ने इसकी सुगबुगाहट नहीं ली, गरीबों के बीच में जाके कोई भी ऐसा काम नहीं करने का साहस किया कि भाई गरीब लोग मर रहे हैं उनको कम्बल दिया जाए। कम्बल ही अगर ठंडा किसी को लग जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? कम्बल मिल जाएगा अगर एक पेट भूखा भी है तो कम्बल रहेगा तो थोड़ा सा ठंडा महसूस नहीं होगा, ठीक रहेगा। गरीब माताएँ हैं, गरीब बहन हैं, इन सब लोगों का समस्या का समाधान अभी कोई तक निकला है नहीं है। नीतीश कुमार जी ने ऐसा काम किया है कि सब जनता के बीच में जो सभापति का चुनाव लड़ेगा डायरेक्ट जनता उसको चुनेगी और डायरेक्ट होगा। थोड़ा सा चलेंगे, महिलाओं का जो मंडली दिखाई दे रहा है, ये मजदूरों गरीबों का बस्ती है, थोड़ा महिलाओं के बीच में आ पाए क्योंकि आप गार्जियन है और गार्जियन का हैसियत से महिलाओं के बीच पहुँच रहे हैं। मुझे कोई ऐसा न्यूज नहीं दिखाना है, मुझे गरीबों के बस्ती तक पहुँचना है और देख रहे हैं कि जीवन यादव का टीम गरीबों के दरवाजे तक पहुँच रहा है। दलित कमजोर मजबूर गरीब लोगों के बात लोग सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। देखिए तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखलाना चाहूँगा, ये महिलाएं हैं दलित बस्ती की, महादलित बस्ती की महिलाएं हैं। लीजिए बाबा यहाँ पर आ जाइए, ये महादलित बस्ती है, मेरे जानकारी में जहाँ तक है ये दलितों का बस्ती है, महादलित बस्ती है और हर घर तक आप लोग पहुँच रहे हैं। उनके साथ एक सहयोग करने के लिए एक भाई साहब भी हैं, थोड़ा सा आप आ जाए यहाँ पर, इनका भी परिचय हम करा देंगे। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम संजय यादव, लखराव। अच्छा देखिए संजय यादव जी भी पहुंचे हुए हैं, लखराव इनका घर है और वहां से चल करके महुद्दीनपुर है ये जी, महुद्दीनपुर जो बस्ती है जिसे महुद्दीपुर के नाम से लोग जानते हैं, यहां पहुंचे हुए हैं और हमारे दलित बस्ती में और कैमरामैन के माध्यम से चाहेंगे कि ये दलित बस्ती है यहाँ का तस्वीर थोड़ा दिखा दीजिए और हम लोग ग्राउंड पर पहुंच करके धरातल पर पहुंच करके दिखला रहे हैं तस्वीर जी। आप क्या कहेंगे कि ये बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है? हम यही कहेंगे कि ये बहुत दिन से कम्बल का वितरण कर रहे हैं, इस साल भी कर रहे हैं तो हम लोग कहें कि चुनाव भी लड़िए आप, जब ऐसा समाज से भी काम कर रहे हैं चुनाव लड़िए। अभी तक कोई नेता सुगघाट नहीं कर रहा है ताकि वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये आने वाला जो चुनाव